गुड गवर्नेंस का तीसरा पहलू होता है डिसेंट्रलाइजेशन। इतना बड़ा देश, हम सेंट्रलाइज मैकेनिज्म से नहीं चला सकते। जितनी बड़ी मात्रा में डिसेंट्रलाइज करेंगे, और इसलिए सरकार ने नीतिगत रूप से डिसेंट्रलाइज करने की दिशा में बड़े अहम कदम उठाए हैं। जैसे एनवायरमेंट, हमने एनवायरमेंट की हर परमिशन को दिल्ली ले आए, एक दफ्तर में ले गए, एक व्यक्ति के पास ले गए, और क्या परिणाम आया हम जानते हैं। क्या क्या बातें सुनी गई, क्या क्या बातें कही गई, किस पर क्या क्या लगा, सब मालूम है। हमने 10 रीजनल ऑफिसेस को स्टैंडिंग किया और इन चीजों को वहीं पर, ताकि उनको वहां की समस्या का समझ है, वो जानते हैं चीजों को, उसको हमने किया। कुछ चीजें सरकार की, मैं तो हैरान हूं, एक गांव के बीच में से रेल जा रही है, इधर से पानी उस तरफ ले जाना है तो पाइपलाइन डालने में 50 परमिशनों में वो अटके पड़े हुए थे, और बिना पानी को एक इलाका तरसता था। ब्रिज बन गया है, दोनों तरफ रोड बनाना है, अटका पड़ा है। कभी दोनों तरफ रोड बन गए, रेल वाले ऊपर ब्रिज डालने के लिए परमिशन नहीं दे, ऐसी छोटी छोटी चीजें। हमने रेल, रोड, पाइपलाइन, बिजली ट्रांसमिशन, इसके लिए केंद्र के पास आना ही जरूरी नहीं, ऐसा कानून बना, व्यवस्था कर, वही करो। इतना ही नहीं, हमने राज्यों के एनवायरमेंट क्लियरेंस के राइट्स बढ़ा दिए, राज्यों को अधिकार ज्यादा दे दिए, ताकि वो भी, हम जितने जिम्मेवार हैं उतने भी राज्य के लोग जिम्मेवार हैं, और वो कोई देश को बर्बाद करना नहीं चाहते। अब जैसे सैंड, आज हमारे यहां नदी में से बालू हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में कितनी, हर नदी दिल्ली तक इंतजार करती है परमिशन मिले। हमने इसको राज्य ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दे दिया, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी उसको निर्णय करेगी और वो तय करेगी। ऑनलाइन प्रक्रिया की, ऑनलाइन प्रक्रियाओं को लोग देख सकते हैं। रेलवे के टेंडर पहले रेलवे के सारे टेंडर प्रक्रिया यहां होती थी, आज हमने उसको जनरल मैनेजर के अंडर में डाल दिया। टेंडर प्रक्रिया वहीं से चल रही है, गति से चल रही है। पहले कैबिनेट अप्रूवल के लिए 300 करोड़ 500 करोड़ के प्रोजेक्ट भी कैबिनेट के अप्रूवल के लिए आते थे, इंतजार करना पड़ता था। हमने तय कर दिया मिनिस्ट्री करेगी, 1000 करोड़ से ऊपर होगा तभी कैबिनेट में लाना है, उन कामों को आगे बढ़ाएं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमने डिसेंट्रलाइजेशन के द्वारा इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है।